हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम इन टू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 27 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे लॉन्च ऑफ न्यू टावर एट अरियंत आर्शिया एंड द कोड नेम इज प्योर लाइफ एट खपोली। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे अरियंत आर्शिया, ये काफ़ी बड़ा टाउनशिप है। इसका लैंड पार्सल 20 एकर्स है और ये सभी टावर्स का पोजीशन दे दिया गया है। सारे एमिनिटीज़, क्लब हाउस सारे फंक्शनल है। तो अभी डेवलपर ने इसमें एक लास्ट टावर लॉन्च किया है जिसका नाम सेटेलिना है और ये टावर ग्राउंड प्लस 14 स्टोरी का टावर है जिसमें दो विंग है और इस बिल्डिंग में सभी 1 BHK और 2 BHK के फ्लैट्स हैं। प्लस डेवलपर ने सेंटर में आप देखेंगे काफ़ी बड़ा क्लब हाउस दिया गया है। इट इज़ समवेयर अराउंड 50,000 स्क्वायर फीट और प्लस मोर देन 40+ एमिनिटीज़ है जो कि सारा ऑपरेशनल है। तो प्रोजेक्ट मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को बिल्कुल लगकर है, नियर इमेजिका एट खपोली। तो यहाँ पर दोस्तों मास्टर प्लान में अगर आप देखेंगे तो ये जो रोड है, ये हाईवे से जब आप अंदर आते हो तो दिस इज़ पेन खपोली रोड और यहाँ से मेन गेट है अंदर आने के लिए। और ये सारा जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसका पोजिशन दे दिया गया है। जो अभी जो लॉन्च हुआ है वो डेवलपर ने यहाँ पे लॉन्च किया है, इस बिल्डिंग का नाम सेटेलिना है। तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जो बड़ा सा हाईवे है, दिस इज़ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और प्रोजेक्ट यहाँ पर लोकेटेड है, दिस इज़ पेन खपोली रोड। और इस एक्सप्रेसवे से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पर आगे लोनावाला है। तो प्रोजेक्ट लोनावाला और पनवेल के सेंटर में है। तो पनवेल के बाद खपोली इज़ द नेक्स्ट एरिया विच विल बी डेवलपिंग वेरी रैपिडली। यहाँ पर आप फर्स्ट होम के हिसाब से भी ले सकते हो, सेकेंड होम के हिसाब से भी ले सकते हो, या तो आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ले सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रोजेक्ट मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के बिल्कुल पास में है। खपोली से डायरेक्ट ट्रेन CST के लिए है। हॉस्पिटल्स और फार्मेसी इस प्रोजेक्ट के पास में ही है। मोर देन 15 एडुकेशनल इंस्टीट्यूट इस प्रोजेक्ट के पास पे है। वेरी क्लोज टू एड लैब इमेजिका और प्लस KMT बस सर्विसेज अवेलेबल फ्रॉम नवी मुंबई टू खपोली। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं वाई खपोली। पहली बात तो खपोली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर है। ये थोड़ा सा हिल स्टेशन पर आता है, इससे थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर लोनावाला हिल स्टेशन है। तो स्पेशली बरसात के दिनों में यहाँ पर क्लाइमेट काफ़ी चिल्ड रहता है। प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स इज मच बेटर। प्लस इसके पास में ही पाताल गंगा रिवर है और दूसरे वाटर पार्क जैसे मैजिक फाउंटेन और डेला एम्यूजमेंट पार्क इस प्रोजेक्ट के पास में ही है। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में अच्छे रिटर्न्स आने के चांसेस है। इसके पास में ही नैना आ रहा है, तो अगेन नैना के आने से भी सराउंडिंग टाउनशिप बहुत अच्छी तरह डेवलप्ड होता है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ये मुंबई है और मुंबई के सराउंडिंग एरिया में थाने और नवी मुंबई काफ़ी अच्छी तरह डेवलप्ड हुआ है। नवी मुंबई तो और भी डेवलप्ड हो रहा है और उसके आगे ये कल्याण और डोंबिवली तक स्ट्रेच हो रहा है और इस तरफ खपोली, लोनावाला और पुणे की तरफ स्ट्रेच हो रहा है। तो खपोली इस जोन में आता है जिसमें यहाँ पर बहुत ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखा जा रहा है। प्लस पनवेल में अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि दिसंबर 2024 में शुरू हो जाएगा। ट्रांस हार्बर लिंक फ्रॉम साउथ मुंबई टू चिरले विलेज नवी मुंबई में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। नवी मुंबई मेट्रो लाइन इज अंडर कंस्ट्रक्शन। विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर इज अंडर कंस्ट्रक्शन। GNPT पोर्ट इज नियर चिरले विलेज एट नवी मुंबई और काफ़ी इंडस्ट्रियल हब है इसके सराउंडिंग एरिया में, विच इज़ एट रसायनी, पाताल गंगा एंड खपोली MIDC। प्लस खपोली से अगर आप पुणे सिंगल इंस्टीट्यूट तक डायरेक्ट आप जाना चाहते हो तो आप मिसिंग लिंक से जा सकते हो। तो ये मिसिंग लिंक जो है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अभी तक शुरू हुआ नहीं, इस साल शुरू होने वाला था। तो जब ये शुरू होता है तो आप खंडाला और लोनावाला को बाईपास करते हुए डायरेक्ट पुणे तक जा सकते हो, जो कि अगेन खपोली से पुणे आप मैक्सिमम आधे घंटे के रनअप पर आप पहुँच सकते हो। अगेन खपोली थाने मेट्रो लाइन इज अंडर कंस्ट्रक्शन। सिडको हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कलापुर एज स्मार्ट सिटी। तो काफ़ी बड़े लेवल पर सिडको कलापुर को डेवलप कर रहा है, बहुत बड़ा लैंड पार्सल है और ये खपोली के बिल्कुल पास में ही है। सेकेंडली यहाँ पर आप देखेंगे खपोली MIDC में बहुत बड़े इंडस्ट्रीज़ है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटी का भी स्कोप ज़्यादा है।
एडुकेशनल इंस्टीट्यूट में 15 एडुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे जमुनाबेन हीराचंद अंबानी स्कूल एट लोधीवाली, विश्व निकेतन कॉलेज, महात्मा एडुकेशन सोसाइटी, प्रभाकर पाटिल एडुकेशन सोसाइटी, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल एंड मच मोर। प्लस इमाजिका के साथ साथ यहाँ पर बॉलीवुड थीम पार्क भी आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज ग्राउंड प्लस वन लेवल क्लब हाउस, नीचे सब रिटेल प्लाजा दिया गया है और ये करीबन 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। तो एमिनिटीज़ में दोस्तों यहाँ पर 40 प्लस एमिनिटीज़ दिया गया है, जैसे जिमनेजियम, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, कम्युनिटी हॉल, लैंडस्केप गार्डन, योगा एंड मेडिटेशन एरिया एंड मच मोर। तो फाइनली दोस्तों आते हैं इसके यूनिट प्लान के ऊपर। यहाँ पर 1 BHK 450 कारपेट है, 480 कारपेट एंड 490 कारपेट, एंड प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 24 lakhs, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और 2 BHK में 580 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस 34 lakhs से शुरू होता है, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और फाइनली पोजीशन इस बिल्डिंग का दिसंबर 2026 में होगा। तो दोस्तों जिनकी एज 25 ईयर्स है उनको 40 ईयर्स का भी लोन मिल सकता है। और दूसरी बात, मोर देन 51 हाउस होल्ड हर एक फ्लैट में दिया गया है, नो EMI टिल दिसंबर 2024। तो फाइनली दोस्तों बुकिंग के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।